दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। पाकिस्तान की सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तहरीके लबैक के नेता अलामा साद हुसैन रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया है, जिसके बाद अब इस फैसले को इमरान खान सरकार के खिलाफ एक शर्मनाक फैसला कहा जा रहा है, क्योंकि साद रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस बल भी सामने आने लगे थे और उसके बाद इमरान खान को मजबूरी में रिजवी को रिहा करना पड़ा। वहीं इस फैसले के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान आने वाले दिनों में रिजवी की बाकी और भी मांगों को मानने के लिए राजी हो जाएंगे। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से दूषित हुए 10 लाख टन पानी को समुद्र में छोड़ने के फैसले के खिलाफ दक्षिण कोरिया के छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। राजधानी सोल में जापान दूतावास के सामने छात्रों ने सिर मुंडवा कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान छात्रों के हाथों में इस फैसले के खिलाफ स्लोगन वाले पोस्टर्स भी थे। नाराज छात्र जापान सरकार से समुद्र में पानी छोड़ने के फैसले को बदलने की मांग कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए अपना विरोध पहले ही जापान के सामने दर्ज करा चुकी है। अमेरिकी अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी से हत्या के मामले में अदालत ने मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन को दोषी माना है। ज्यूरी ने डेरेक को दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या, तीसरे दर्जे की हत्या और दूसरे दर्जे की निर्मम हत्या का दोषी माना है। बता दें कि पिछले साल 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिकी पुलिसकर्मी डेरेक चौविन की क्रूरता का शिकार हुए थे। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इद्रीस डेबी इटनो की विद्रोहियों के हमले में घायल होने से मौत हो गई। सेना के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। इद्रीस बीते 30 साल से चाड के राष्ट्रपति थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेबी विद्रोही और आतंकी गुटों के खिलाफ जंग लड़ रहे सैनिकों से मिलने फ्रंटलाइन पोस्ट गए थे। वहीं हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनका निधन हो गया। डेबी 1990 में पहली बार अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति बने थे। 11 अप्रैल को इस देश में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें भी डेबी की पार्टी ही जीती थी और वो 6 साल के लिए फिर राष्ट्रपति बने थे। भारत में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दुनिया के कुछ देश भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में शामिल किया है, जिसके बाद भारत के नागरिकों को वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत यात्रा से बचने की सलाह दी है। बता दें कि नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र शाह और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्ञानेंद्र शाह 11 अप्रैल को कुंभ दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कुंभ मेले में शिरकत की थी। इसके अलावा वो 3 दिनों तक हरिद्वार में रहे और शाही स्नान भी किया था, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।